हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंगना रनावत के 100 रुपए वाली दादी के ट्वीट के जवाब में पंजाबी सिंगर्स ने मोर्चा संभालते हुए बीबीसी के माध्यम से किसान माँ की पूरी असलियत और मेहनत का सबूत पूरे सोशल मीडिया पर दिखाया, जिससे प्रेरणा लेते हुए हमने बात की यूपी की महिला किसानों से और इस प्रदर्शन में उनकी महत्वता और संघर्ष को करीब से समझा। नमस्कार मैम, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप कहां से हैं और यहां कितने दिनों से हैं? मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं जी, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूं, और मैं तो कल से आई हूं, बाकी और महिलाएं मेरी 27 तारीख से आई हैं। तो आप लोग भी यहीं रह रहे हैं सड़कों पे बाकी किसानों के साथ? हाँ जी, सारी महिलाएं और सारे पुरुष यहीं रह रहे हैं। तो मैम यहाँ पर ऐसा क्या मुद्दा है कि भाई पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी अपना घर खेत सब छोड़कर, ऐसी क्या परेशानियां हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सब कुछ छोड़कर आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा खेतों में महिलाएं किसान काम करती हैं, तो महिला किसान तो सबसे बड़ी हुई ना जी। तो ये जो बिल पास हुआ है ये किसान हित में नहीं है, और महिला पढ़ी लिखी भी है, अनपढ़ भी है, और वो सब जानती हैं कि ये किसान हित में नहीं है बिल, तो इसको वापस लिया जाए। तो मतलब आपके जैसे परिवार की जिम्मेदारी होती है, सब होती है, तो वहाँ पर अगर मैं जानना चाहूंगी थोड़ा किसानों को जो समस्याएं खेतों में फेस करनी पड़ती है, वो मैं एक किसान परिवार से ही जानना चाहूंगी कि क्या समस्याएं जिसके थ्रू वो जूझते हैं, निकलते हैं और फिर उन्हें उनकी खेती का दाम नहीं मिलता। किसान जमीन को जोतता है, उसमें बीज बोता है, उसमें बीज फसल उगाता है, बच्चे की तरह उसे पालता है। एक बार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन खेत को पानी देना नहीं भूल सकती, खेत को नहीं भूल सकती, क्योंकि उस खेत से पूरा देश पलता है। एक माँ अपने बच्चे को भूखा सुला सकती है, लेकिन अपने खेत में जाना नहीं भूल सकती है। और फिर जब वो उसकी फसल आती है और वो मंडी में बेचने जाता है, लाइन में लगता है, रेट उसका नहीं मिलता है। आज इस भारत देश में अगर हम एक कप चाय किसी जगह खड़े होकर पीते हैं, मोल खरीदते हैं, तो हम पहले पूछते हैं भैया जी क्या रेट है, ये एक कप चाय कितने की मिलेगी? वो बताता है 7 रुपए की मिलेगी, 8 की मिलेगी या 10 की मिलेगी, वो अपना रेट बताता है ना। लेकिन हम दूसरों के रेट पे निर्भर है, दूसरों के रेट। सरकार ने जो ये 3 काले कानून पास किए हैं, किसान विरोध में किए हैं। एक तरफ सरकार कहती है किसान हितेशी हैं, दूसरी तरफ उसका परिणाम सभी के सामने आ चुका है, पूरे भारतवर्ष के सामने, एक जिले के सामने नहीं, एक राज्य के सामने नहीं, पूरे भारतवर्ष के सामने आ चुका है। अगर ये किसान हित में बिल थे तो फिर इन्होंने 868 रुपए का जो रेट निकाला था उससे नीचे खरीद क्यों हुई? हमारा धान 800 रुपए क्विंटल बिका है, 8 रुपए 1868 रुपए क्विंटल एमएसपी तय था और बिका है 800 रुपए क्विंटल। हाँ, लेकिन ये कह इसी ये इस साल की बात है, ये पेडगुल रेगुलर रहता था, रहता है। फिर ये कहते हैं आपकी एमएसपी कायम है, एमएसपी कायम है तो उसमें एक लाइन बढ़ा दीजिए, यही संशोधन कर दीजिए, उसे लिखित में दे दीजिए। अपनी मांग को लेकर सड़क पे आए हैं, उन्होंने मजबूर किया ना। अभी तक तो देश जब हमारा आजाद हो उसके पहले से किसान खेती करता आ रहा था, तब तक किसानों ने एमएसपी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तब ये बिल नहीं पारित हुआ। एमएसपी से कम रेट वाला दिक्कत आपको हो रहा है? जब रेगुलर चल रहा है ये परिस्थितियाँ आज क्यों उत्पन्न हुई? ये किसान का जो 3 बिल इन्होंने काला कानून लाया तब ये एमएसपी की बात उत्पन्न हुई। हर चीज के दाम बढ़ाए, आप कहना चाहते हैं कि किसानों से पक्ष नहीं रखाया था उनका? ना ना ना, 40 संगठन अभी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनमें से क्या उस टाइम पर किसी से किसी ने पूछा नहीं हमसे? कोरोना का फायदा उठाया गया, COVID-19 का, और किसी से कोई सुझाव नहीं मांगा गया और अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से बिल पास कर दिया। और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अरे यहाँ के देखो ना, ये जो सारे बैठे हैं किसके बेटे हैं? मन की बात जो कर रहे हैं, मन की बात ये माँ गंगा के बेटे हैं, जो माँ गंगा के पानी से सिंचाई करके और सबके लिए अन्न उत्पन्न कर रहा है वो हुआ माँ गंगा का बेटा, या जो नकली बेटे हैं वो माँ गंगा के बेटे हैं? असली बेटों को आके देखो यहाँ।
आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाओ क्या यहाँ आ नहीं सकते हैं असली बेटे ये हैं माँ गंगा के। अच्छा सर एक चीज और जो हमने भी देखा मैम आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का स्वागत नहीं हुआ इस प्रोटेस्ट में, अभी यहाँ पर सिर्फ आम आदमी दिख रहा है, ऐसा योगेंद्र जी भी आए थे दूसरे बॉर्डर पर किसी का स्वागत यहाँ नहीं किया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को भगा दिया गया। आम लोग अराजनैतिक है, राजनीतिक लोगों को हमको क्या जरूरत है उसका स्वागत करने का, अगर वो किसान है तो मेरे साथ शामिल हो जाए। हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारा संगठन अराजनीतिक संगठन है, हम सिर्फ और सिर्फ किसान के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं।